हमारे साथ एक मनोज कुमार ने सवाल भेजा है मुंजवार नासिक से। इनके पास 2273 शेयर है यस बैंक के 27.01 रुपए के भाव पर, और सुजलॉन है 1505 शेयर 4.96 रुपए पे। क्या ये दोनों को 5-10 साल के लिए होल्ड करें? देखिए, सुजलॉन के केस में तो पॉसिबली मैं ये नहीं बोल पाऊंगा। आई थिंक ब्रेकआउट तो अच्छे रहे हैं और हमने भी बोला कि भाई रीरेट तो हो गया है स्टॉक, लेकिन अभी भी आई थिंक बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है अपने पिछले हाईज से। तो 350 के आसपास के हाईज हैं और 2007-08 के हाईज हैं वो, 6-7 के। तो आई थिंक अभी तो शायद जस्ट शुरू हुआ है, बट आई थिंक सुजलॉन में एक स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं। अगर खड़े रहना है तो स्टॉप लॉस लगा के रखें 40 रुपए के नीचे, और अगर खड़े रहना है तो 6-12 महीने में इसको रिव्यू करते रहे और खड़े रहें। दूसरा रहा येस बैंक, आई थिंक यहाँ थोड़े बेटर सेटअप्स हैं और मुझे लगता है स्टॉक तो तकरीबन तकरीबन पैटर्न तो वैसे ही है, बट यहाँ मैं थोड़ा सा पैटर्न इतने अच्छे हैं कि मैं कन्विंस से बोल सकता हूँ कि 12-18 महीने खड़े रहें। 5 साल तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन 12-18 महीने खड़े रहने तो खड़े रहें। अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, अगेंस्ट द मार्केट चल सकता है और इनके अच्छे पैसे बन सकते हैं, तो ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में बने रहिए और